उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कम है, हमें यकीन है कि आसमां कम है। नमस्कार दगड़ियों, आज की वीडियो है स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे 2021, अ डे टू सेलिब्रेट, अ नेशनल फेस्टिवल टू लिव और आज़ादी के महत्व को सही मायनों में ग्रामीण भारत तक ले जाने की जद्दोजहद। जैसा कि पिछले साल आज़ादी के उत्सव को हमने अपने गाँव में मनाया था और हमारे एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि बस ये सिलसिला रुके ना, बस फिर क्या था, हम इकट्ठा होते हैं। आज है 15 अगस्त 2021, यानी कि आज़ादी को 75 साल पूरे होने वाले हैं। पूरा देश मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज हम अपने गांव में मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त इस प्लेस में। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और सेटअप रेडी नहीं हुआ है। आई एम कलेक्टिंग द पीपल और उसके बाद धीरे धीरे लोग इकट्ठा होंगे, हम लोग इसे यहाँ पे सेटअप करेंगे और बाकी जो हमारे प्लान प्रोग्राम है उनको करके दिखाएंगे। हम इकट्ठा होते हैं उसी सिलसिले को रफ्तार देने को और सारे नवयुवक इकट्ठा होकर प्लान करते हैं एक छोटे से आयोजन का, सारी जरूरत की चीजें और तिरंगा फहराने को मंच बनाने का। शॉर्ट टाइम में ही हमने रेडी किए कुछ बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपना स्टेज तैयार करने लगे। मेरे कुछ साथी बलून्स फुला रहे हैं, साथ में तिरंगे में फूल रखने का काम कर रहे हैं और मैं कुछ लोगों को लेके तिरंगा फहराने को स्टेज बना रहा हूँ। हमने यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज किया है, जैसे कि पत्थर, गांव से ही लाल मिट्टी इकट्ठा कर हम तिरंगा फहराने की जगह को सजा रहे हैं और हमारे इस सजावट में हमारा साथ दे रही हैं हमारी गाँव की बुजुर्ग महिलाएँ। कुछ चूना और कुछ रंग बिरंगी कलर भी हमने अरेंज किए हैं और कुछ इस तरह सभी के साथ मिलके काम करने का अनुभव ही अलग है। मुझे हमेशा से ही ये सेल्फलेस फीलिंग अपनी ओर आकर्षित करती है और इसे महसूस कर अंदर से एक सुकून होता है। शायद जिंदगी की ब्यूटी यही है और त्यौहार भी हमें यही बताते हैं, मिलजुल कर रहना, हंसी खुशी साथ मिलकर कामों को निभाना। महिलाओं की सजावट के साथ मेरे बाकी साथी भी अपने काम में पूरे मन से लगे हुए हैं। देखिए जरा ये रंग बिरंगी फूल कितने आकर्षक लगते हैं और तिरंगे में जब ये फूल पड़ते हैं तो मन को और ज्यादा मोह लेते हैं। युवाओं की इसी मेहनत के साथ हम अपना मंच भी सजा रहे हैं और साथ में तिरंगा जब धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो ये अंदर से एक अलग ही फील देता है। जरा देखिए और फील कीजिए इसे, है ना कितना सुखद अनुभव। और इस तरह नेचुरल फूलों से ही हमने अपना मंच सजाया है और अब आगे देखते हैं आगे का कार्यक्रम। भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय। भारत माता की पंजाब सिंध गुजरात मराठा जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सौभाग्य है कि हमारे गांव में भी झंडा रोहण हुआ है। यह झंडा अमर है। इस झंडे की बहुत बड़ी कहानी है, इसमें कई लोग शहीद हुए,
कई बहुत बड़ा 110 वर्ष का इतिहास है, 90 वर्ष का तो सीधा इतिहास है। 1857 से क्रांति शुरू हुई थी और 1947 में पूरे 90 वर्ष की लड़ाई है। ये कोई एक साल की दो साल की लड़ाई नहीं, 90 साल की लड़ाई के बाद ये दिन मिला। यह दिन सदा बना रहे, सब लोग सुखी रहे, आनंद मंगल में रहे, हमारा देश संपन्न रहे, सुखी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको बधाई देता हूँ। उसकी रक्षा कौन करेगा। देश है स्वतंत्र आज, वेश है स्वतंत्र आज, हिंदियों के हाथ में है देश का स्वतंत्रता। तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। तिरंगे झंडे की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वेष्ठ देवताओं की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। आज हम उपस्थित हुए हैं 15 अगस्त मनाने के लिए और आजादी की 75वीं वर्षगांठ। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गांव के बुजुर्गों को दीप प्रज्वलन के लिए मंच बना मंत्री। विश्व रूपेण विशालाक्षी विद्यादे सरस्वती सरस्वती नमः। ओम भारत माता की जय। जय ओम श्री सरस्वती नमः। नाम तो निधि वरी गौ हवामहे बसो मम आहं जानी गर्भदमम तुम जासी गर्भदमा। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आज हम एकत्रित हुए हैं 15 अगस्त मनाने के लिए। बात करें आजादी की तो 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली। वो शासन था दमन का, जब भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। अगर हमें पिछले साल की घटना याद है तो शेखर दा बता रहे थे कि उस टाइम पे जितना भी गांव का दूध दही होता था अंग्रेज लोग लेके जाते थे। और ये कहानी सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, ये कहानी बड़े टाउनों तक, शहरों तक और बड़े जिले और नेशनल लेवल तक है। अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से पूरी तरह अपंग कर दिया। इसके अलावा हमारी जो गुलामी की एक मानसिकता है वो आ गई। देश 200 से ज्यादा सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। भारत न जाने किन किन क्षेत्रों में पिछड़ा था। भारत में अनेक तरह के अकाल आए और अंग्रेजों के उस काल में भारतीयों की स्थिति बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही दर्दनीय थी। लेकिन जब भारत 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ तो हमारे सामने चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी, अलग अलग किस्म की समस्याएं थी। और हमारे उस वक्त के नेताओं, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, हमारे बाकी नेताओं गांधी जी और बाकी इस तरह के नेताओं ने देश को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, हमारी सेनाएं बॉर्डरों पर अलग अलग दौर में अपनी सेवाएं देती रही। हम आज भी देखें तो भारत की सेनाएं सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेके राजस्थान थार के गर्म डेजर्ट में या रेगिस्तान में अपनी सेवाएं देती है। और इस तरह का जो निश्चल देश प्रेम का जज्बा है ये हमारी सेनाओं के द्वारा देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से इस पूरे कार्यक्रम को मनाने का एक ही मकसद है कि आम नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी होती है, आम नागरिक हमारे जैसे, कि हम उस जज्बे को जिन्होंने देश को खड़ा करने में इतने सालों का योगदान दिया है, हम अपनी तरफ से सोसाइटी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, अपना सहयोग दें और शायद युवाओं को छोटा सा एक मंच मिले। मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि मंच कहीं भी हो सकता है, हम लोग छोटे से छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं। और इस तरह जब आने वाली पीढ़ी इस तरह के कार्यक्रम हमारे घर गांव आंगन में ही देखेगी तो उन्हें पता रहेगा कि इस तरह की चीजें भी पॉसिबल है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खुलता है। तो 15 अगस्त की आज 75वीं वर्षगांठ या आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और भारत पर नौछावर शहीदों को नमन करते हैं। टू लाइन के साथ शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा।
आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक भाषण, दमदार भाषण लेकर हमारे बीच आने जा रहे हैं कवीन। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कवींद्र का अपने भाषण के। एक ही मोटिव था कि जो हमारा आने वाला यूथ है और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने पुराने दिन याद करें, और हमारा जो यूथ है जो अभी काफी समय से महामारी की वजह से अपने स्कूल नहीं जा पाया, उनका एक तरह से जो देश के प्रति हमारा जो टच रहता था उसमें कुछ कमी ना आ जाए, इस वजह से हमने ये आज यहाँ पर प्रोग्राम आयोजन किया ताकि हमारे जो यंग जनरेशन को पता चलता रहे कि हाँ इस तरीके से हम अपने अपने शहीदों को, अपने देश के महापुरुषों को याद करते हैं। क्योंकि आज एक ही दिन होता है जब हम अपने सभी कार्य छोड़कर सभी लोगों को यहाँ याद करते हैं, बैठकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जीत का सिर्फ एक ही मंत्र है कि हम साथ बढ़कर चले, एक साथ मिलकर लड़े, आसानी से हम किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने 75 साल पहले हमें दिखा दिया था। आज जरूरत है उसी चीज को याद करने की, उसी से मोटिवेट होने की कि किस तरह से उन्होंने एक साथ मिलकर अपने शत्रु को हराया था, और आज हम लोग एक साथ मिलकर समाज की कुरीतियों से और जो भी हमारे चारों तरफ समस्याएं, छोटी बड़ी सभी समस्याएं, एक साथ मिलकर अगर हम संघर्ष करेंगे तो जरूर हम उन्हें हरा पाएंगे। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको आजादी की, स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत की सुंदरता को दर्शाता हुआ वर्णन कई तरीकों से किया जा सकता है, उसमें से एक वर्णन है गीत के रूप में भारत की सुंदरता को बताता। अगला गीत लेकर आ रहे हैं हमारे सामने वे, जिसके बोल हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वे का। धरती वो है जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, प्रभु नाम की माला, जहां हर एक बालक मोहन है राधा हर एक बालका, राधा हर एक बाला। वो भारत देश है मेरा अलबेले, त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है कहीं होली के हीरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस पार्वती शिविर में आप सभी को एक कविता सुना जाता है, इसके रोज है तक जाते मेरे भारत में सुनने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं। न जाने कितनी वीरों ने अपनी जान मारी थी तब जाकर हमें प्यारे भारत में स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, ये आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी ना हमारा था। वो बच्चे स्टेज पर आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आराम से अपनी बातें रखें, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये स्टेज हमारे गाँव का ही है, तो जितनी आसानी से हम लोग अपनी बात कहेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। ये कविता थी भारत की स्वतंत्रता पाने की, कैसे भगत सिंह, सुखदेव, बाकी वीर शहीदों ने अपना योगदान दिया, कैसे महात्मा गांधी ने जन जन को आंदोलन से जोड़ा। जब हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं, जैसे कि उस समय की स्थिति भी ऐसी थी, गांव के लोग, शहरों के लोग ज्यादा इच्छुक नहीं थे कि आजादी से हमारा क्या लेना देना है। ये आम धारणा लोगों में होती है कि मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या वाली बात। लेकिन इसी बीच महात्मा गांधी आते हैं और पूरी दृष्टि को बदल कर रख देते हैं। महात्मा गांधी लोगों को बताते हैं कि क्यों आजादी हम सभी के लिए जरूरी है। हम कल्पना कर सकते हैं भारत के उस दौर में जब हमें ऐसे बैठने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था, तो उस दौर से लोगों को जोड़ के महात्मा गांधी ने जन जन को, इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाया, और सभी लोगों के इस समर्पण के बाद भारत को आजादी मिली। तो कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं और हमारे सामने एक कहानी लेकर आएंगे काव्यांश। जिसका नाम है शेर की बात मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर खाना खाकर आराम कर रहा था। तभी वहाँ एक मक्खी उड़ती उड़ती आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के पास जाके भिन 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 करने लगी। शेर आग बबूला हो गया, ऊपर से उल्टा जवाब देती है, दूर चले जा वरना भी तुझे मार दूंगा। सबसे सुंदर देश हमारा, हमको है ये जान से प्यारा, देश के आगे शीश झुकाऊं, जरूरत पड़ने पर जान गवाऊं, फिर भी है देश हमारा न्यारा, सबसे सुंदर देश हमारा। ना रुके हम, ना डरे हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी पर मैं आपको कुछ कविता सुनाना चाहता हूँ। देश है मेरा सबसे न्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, पर्वत इसके ऊंचे ऊंचे करते रखवाली, नदियाँ इसकी लंबी लंबी फैलाए हरियाली। यह देश मेरा सबसे न्यारा, सबसे सुंदर कितना प्यारा। जैसे कि हमारे युवा लोग, छोटे बच्चे कार्यक्रमों को बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज में, तो इन्हीं बच्चों की इस उत्सुकता ने हमारे बड़े बुजुर्गों में भी उत्साह पैदा किया है। तो हमारे सामने देशभक्ति गीत लेकर हमारी दो भाभी आ रही हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती चंपा गोगियारी एंड श्रीमती ममता गोगियारी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों के मुल्क से आजाद हुआ था, और इसी दिन पहली बार हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा लहराया था। और उसी दिन से हर साल यह परंपरा चलती आ रही है कि हम प्रधानमंत्री हर साल लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर दौड़ रही है, कुम कुम कर गीत सुनाती, मेरे घर कभी नहीं आती, सुंदर और सजीला कितना रंग रंगीला, सबके मन के पता, सबका जीवन छदाम। क्या बात है, क्या बात है। क्यों मैं रसोई तो मेरे दिल घूमे जे, सुन ले गया मेरे गया तुम की दिल है, ना तो किला तुली में के अति पसंद है। नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे जय हिंद जय हिंद जय जय। आदी की धूम मची और संगी का संगीत सबने मिलकर गाया, आजादी का गीत झूम झूम कर हाथी आया, दम धम धम करता भालू, मटर मटर कुतरती आई चूहिया, चूहा खा कर काचू। आजादी की धूम मची और चलती का संगीत सबने मिलकर गाया, आजादी का गीत। थैंक यू। क्या बात है। विनती सुनो वाली वान, वेदों ऐसा ज्ञान, हम पढ़ लिख कर बने महान। बहुत बढ़िया। Sachi munda manalu chati roga se
लेते हैं अपने कुछ बड़ों का आशीर्वाद, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए श्रीमती चंपा गुप्ता का जो दो साल से हमारे सामने प्रस्तुत करें। यहाँ पर आ सकते हैं कल को सभी छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चों के अपने कार्यक्रम यहाँ पर प्रदर्शित किए। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए श्री लोकेश पुजारी जी को उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देती हूँ और सभी लोगों से आशीर्वाद ग्रहण करे। वो ऐसे लोग हमारे देश में आते रहे, ये मैं कामनाएं करती हूँ। धन्यवाद। यूं तो इनके द्वारा सारा क्रेडिट मुझे दे दिया गया, पर डीप डाउन आई नो कि ये सब पॉसिबल इन युवाओं के बिना था ही नहीं। ये पॉसिबल उन महिलाओं के बिना बिल्कुल भी नहीं था। ये पॉसिबल मेरे गांव के बुज़ुर्गों के सपोर्ट के बिना था ही नहीं। तो यहाँ क्रेडिट सभी को जाता है। और इन कार्यक्रमों के बाद हम मिष्ठान वितरण करते हैं। तिरंगा हमेशा से ही अपनी शान से लहराता है और हम सब लोग आनंद लेते हैं चाय, लस्सी, जलेबी और न जाने कितने व्यंजनों का। इसी तरह हर बार की तरह इस बार भी आज़ादी का उत्सव हम अपने गांव में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और मन में एक ख्याल है कि आज़ादी का ये उत्सव, ये सिलसिला रुके ना। सूर्यास्त होते ही ये ध्वज उतार दिया जाता है। मैं और मेरे सहयोगी इसे सम्मान के साथ नीचे उतारते हैं और इसे इसकी जगह संभाल कर रख देते हैं और मन में एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं कि तिरंगे की ये आन बान शान हमेशा बनी रहे और इस तरह युवाओं में कुछ प्रेरणा जगे, लोग इन चीज़ों को आगे बढ़कर देखें, समाज एक नए सिरे से सोचना शुरू करे और हमारे समाज में एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।